Did I ever tell you? The definition of insanity. Far Cry 3. अगर आप एक गेमर है तो आपने इस गेम का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपने ये गेम खेली है तब तो बात ही क्या है, क्योंकि ये गेम एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम है। ये 2012 में आई थी, और 2012 में आने के बावजूद भी इसके ग्राफिक्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, उस टाइम के हिसाब से भी और इस टाइम के हिसाब से भी। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्यों Far Cry 3 वॉज वन ऑफ द बेस्ट Far Cry गेम एवर। अगर आपने Far Cry 3 गेम खेली है देन यू विल नो दैट ग्राफिक्स इस गेम के काफ़ी अच्छे हैं। मीन्स एनवायरनमेंट को काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है, और सारी लाइटनिंग वगैरह कलर करेक्शन सारी सही की गई हैं। अगर हम इसे पिछली गेम से कंपेयर करें जो कि थी Far Cry 2, उसमें लाइटनिंग और कलर करेक्शन ज़्यादा ढंग से नहीं की गई थी, लेकिन Far Cry 3 में काफ़ी अच्छी तरह से की गई है, जिससे कि हमें एनवायरनमेंट है बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन Far Cry 2 में बिल्कुल हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। अगर आप इसकी अगली गेम जो तो Far Cry 4 उसको भी कंपेयर करें तो उसके भी ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है अगर आप Far Cry 3 से उसको कंपेयर करें, क्योंकि Far Cry 3 में कलर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल रियल लगती है। और 2012 में आने के बावजूद भी इस गेम के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि आज तक की भी गेम जो 2019 या फिर 20 में भी निकलती हैं उनके भी ग्राफिक्स इससे थोड़े से कम होते हैं। लेकिन Far Cry 3 अगर आप मैक्स सेटिंग पे खेलेंगे देन यू विल नो कि उसके ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं Far Cry 3 के स्टोरी लाइन के बारे में। इसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि है जेसन ब्रडी, उसके भाई का पायलट लाइसेंस लग जाता है, तो वो जो फ्रेंड्स होते हैं उनके सारे डिसाइड करते हैं कि क्यों ना पार्टी करते हैं, और ऐसे में ही वो चूज़ करते हैं कि हम स्काई डाइविंग करेंगे। तो स्काई डाइविंग करते करते उनसे कुछ हादसा हो जाता है, और वो कुछ ऐसे आइलैंड पे लैंड कर देते हैं जहाँ पर वास पायरेट होता है और वो वहाँ राज करता है। तो अब ऐसे में वास उन्हें कैप्चर कर देता है, लेकिन जैसे तैसे जेसन ब्रडी और उसका बड़ा भाई जो है वहाँ से निकल पाते हैं, और बाकी जितने भी उनके फ्रेंड्स होते हैं वो उस आइलैंड पे मिसिंग होते हैं। तो वास उन्हें देख लेता है और उसके बड़े भाई को मार देता है, लेकिन जेसन को वो छोड़ देता है। तो फिर हमारे को डेनिस मिलता है जो कि हमारी पूरी मदद करता है, और एट द एंड ऑफ द गेम हमारे सारे दोस्त बच जाते हैं, और हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो हम अपने दोस्तों को मार दें या फिर हम अपने दोस्तों को बचा लें। तो यहाँ पर दो अल्टरनेट एंडिंग्स आती हैं, और हम उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जो ये वास बंदा यार, इसका जो बोलने का स्टाइल था वो काफ़ी यूनिक था, जो कि गेमर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, और वन ऑफ द बेस्ट करेक्टर बन जाते हैं इस गेम का। अब आप धीरे धीरे Far Cry 3 में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको स्किल्स मिलती रहेंगी, आपको स्किल्स को अनलॉक करना पड़ता है, आपको कुछ स्किल पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप स्किल खोल सकते हैं, लाइक एज हैवी टेक डाउन, चेन टेक डाउन, नाइफ टेक डाउन, गन स्लिंगर। आप हेल्थ स्लॉट्स को जल्दी जल्दी रिफिल कर सकते हैं। आप पूरे हेल्थ स्लॉट्स यानी कि स्टार्टिंग में हमें दो मिलते हैं, तो हम पूरे छः कैसे कर सकते हैं। ये सारे स्किल पॉइंट्स होते हैं जो हमें कलेक्ट कर एट द एंड हमें स्किल खोलनी पड़ती है, जिसकी मदद से जो गेम है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब आपने इस गेम में देखा होगा कि इतने सारे आउटपोस्ट हैं जहाँ पर हमारे एनिमीज बैठे रहते हैं, तो हम उन आउटपोस्ट को लिबरेट कर सकते हैं, यानी कि हम उन्हें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। उसे हम अपना आउटपोस्ट कैसे बना सकते हैं, वो है हम सारे जितने भी एनिमीज हैं उन सबको मार के अपना वो बना सकते हैं। लेकिन उसमें हमें एक बात ध्यान देनी पड़ती थी कि हमें अलार्म डिसेबल करना पड़ता था, नहीं तो अगर हम पकड़े गए तो वो जो बंदा है वो रेइनफोर्समेंट बुला लेता था, और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं होता था, हम मार लेते थे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अब हर एक आउटपोस्ट में एक रूम होता था जिसमें हमारे पास एक शॉप होती थी, जहाँ पर हमारे पास मेमोरी कार्ड भी होता था उस रूम में, और उस शॉप में हम या तो अपने जो एनिमीज से कलेक्टेड सामान है उसे बेच सकते थे, और जितने भी गन्स हैं वो सारी खोल सकते थे, खरीद सकते थे। और एक और गन फैक्ट है कि अगर आपने ये गेम को पूरी कंप्लीट कर दी और सारे टावर्स खोल लिए हैं, देन आपके पास आ जाता है एक ऑप्शन सिग्नेचर वेपन्स का, जिसमें कि आपको जितने भी गन्स हैं उन सब के मॉडिफाइड वर्जन्स मिलते हैं, जिनको आप सिर्फ खरीद सकते हैं, उनको फ्री में अनलॉक नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ Far Cry 3 से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में।
फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि जब फार क्राई 3 गेम बनी थी तो उसके थोड़े टाइम बाद एक वेब सीरीज आई थी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो अभी भी, जिसमें क्रिस्टोफर मिंट्स प्लाजे ने एक अपना रोल करा था, जिसमें उन्होंने सर्वाइवल गाइड बनाई थी उसी आइलैंड पे जिसपे फार क्राई 3 के लोकेशन बेस्ड है। और उस वेब सीरीज में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिस को वास के कुछ बंदे मिलते हैं और वास जो उसे तंग करने के लिए उस आइलैंड में दफना देता है। और जो फार क्राई 3 गेम है उसमें भी ये हेड अवेलेबल है, उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन है, वहां पर जाकर कुछ गेमर्स ने उसके हेड को लोकेट कर दिया है और उसको जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें आता है से हाई टू इंटरनेट। इसका जो फोटो है वो हमारे फ्रंट कवर पे भी है जो कि फार क्राई 3 के गेम पे है, जहां पर वास क्रिस के साथ बैठा है, जहां पर उसका हेड जो है वो पूरे डेजर्ट में दफनाया हुआ है। फैक्ट नंबर टू, जैसा कि मैंने आपको बताया वास का जो स्टाइल था वो काफ़ी यूनिक था, जिससे कि गेमर्स काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे और वो वन ऑफ द बेस्ट विलन बन गया था। लेकिन क्या आपको पता है फार क्राई 3 में पहले वास नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। जब तक वास का इंटरव्यू ऑडिशन देने के लिए कोई नहीं था तब तक वहाँ पर एक बुल नाम का कैरेक्टर था जो कि हाफ ब्लाइंडेड था, मतलब एक आंख नहीं थी उसकी। लेकिन जैसे ही ऑडिशन हुआ जो उसका एनर्जेटिक था वास का, तो उसे वास को गेम में ऐड कर दिया गया। फैक्ट नंबर थ्री, आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस गेम में आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ मिनी गेम्स मिलेंगे, लाइक एज एक गेम थी जिसमें आप चिड़िया को हंट कर सकते थे, जो कि एक रेफरेंस है डक हंट जो कि निंटेंडो पे खेली जाती थी, जिसमें हम एक फिजिकल गन से स्क्रीन पर चिड़िया को मार सकते थे, डक को हंट कर सकते थे। फैक्ट नंबर फोर, आपको तो पता होगा यार गेम्स के रिलेटेड कितनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं कि गेम जो है हमें वायलेंट बना देती हैं। तो ऐसा ही ध्यान में रखते हुए अगर आप जेट स्की लेते हैं तो उस पर एक कॉशन वाला लेबल लगा होता है जिसपे लिखा होता है कि ज़्यादा गेम खेलने से आप में गलत बिहेवियर आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा कम खेलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये गेम खेली है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये गेम कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।